नासा ने इनसाइड मार्स लैंडर 5th में 2018 में लॉन्च किया था। करीब 206 दिनों की लगातार यात्रा के दौरान 458 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके 26 नवंबर को ये सफलतम लैंडिंग मार्स की सतह पर की। लैंड करने के बाद इनसाइड ने अपनी दोनों सोलर पैनल को खोलकर अपनी बैटरी को चार्ज किया। इनसाइड को मुख्य रूप से मंगल की अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, लेकिन इनसाइड ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनसाइड ने ऐसे काम करके दिखाया है जिसके लिए उसको डिजाइन ही नहीं किया गया था। 26 नवंबर 2018 को इनसाइड ने सफलतम लैंडिंग मंगल ग्रह पर करके 4 दिन बाद यानी 1 दिसंबर को मंगल ग्रह पर चलने वाली हवा को रिकॉर्ड किया। ये पहली बार है जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर चलने वाली हवा की ध्वनि को रिकॉर्ड किया हो। इन सब में आश्चर्य वाली ये बात है कि यह सब बिना किसी पूर्व योजना के हुआ, यानी इनसाइड को मंगल ग्रह पर चलने वाली हवा की साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन इनसाइड ने मंगल ग्रह पर 10 से 15 मील प्रति घंटे चलने वाली हवा की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। इनसाइड की इसी उपलब्धि पर नासा की JPL लेबोरेटरी के इनसाइड मिशन के मुख्य जांचकर्ता का कहना है कि इनसाइड ने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं को महसूस किया है, लेकिन ये सब पहले से प्लान नहीं हुआ था, इसलिए हमारे लिए ये उपलब्धि किसी ट्रीट से कम नहीं है। इनसाइड की रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सुन सकते हैं यहाँ पे।